इस न्यूज के प्रायोजक हैं अबजान जूस एंड फालूदा, पेंटर चौक, बीजापुर वे, सोलापुर। आजादी वचन न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार आमदार परिणीति शिंदे के प्रचार के लिए सोलापुर शहर मुस्लिम बादशाह पेड़ में आसिफ तिम्मापुरे मित्र परिवार की ओर से सभा का आयोजन किया गया था। इस समय माजी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, माजी आमदार आड़म मास्टर, इंडिया अलायंस के स्थानीय नेता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये करोड़ लोग बेकार होने की शक्यता है, तो इसके वास्ते हम लड़ रहे हैं, लोगों के रोजी रोटी के वास्ते लड़ रहे हैं। तो सभी को मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, ये मामूली इलेक्शन नहीं है, इस बार हार है, जिंदगी बाहर रहना मुश्किल है, हमारा तो पहला नंबर लगा है, तो अपना सभी का कर्तव्य है इस इलेक्शन में आमदार परिणीति ताई महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है, इस तरह से चुनकर दो, पूरे महाराष्ट्र में नहीं दिल्ली में भी दबदबा होना चाहिए, ऐसी गलती। सभी नेतागण और भाइयों और बहन, आज के सामने ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक, मैं अभी ग्रामीण भाग से आ रहा हूं, जिधर देखे उधर सब भीड़ वही कह रही है हम प्रणीति ताई को चुन के लाएंगे। तरफ से मुझे तो खुशी होती है ऐसा सुन के, लेकिन देश बचाने के लिए ये जनता में इस तरह की आग हो रही है उसका मुझे गर्व है और आप लोगों को धन्यवाद। मैं आनंद साहब का भाषण सुन रहा था, उनको जो तकलीफ दे दी है लोगों ने, मैं तो समझा था कि प्रधानमंत्री को यहां लाए और उनको उद्घाटन करने को लगाए, उन्होंने बड़ी कष्ट से वो सब काम किया, उनके कई प्रोजेक्ट में हमारा भी अखबार लगा हुआ है, लेकिन हम तो हमारे जेब से कुछ नहीं देते हैं, जनता का पैसा सरकार में होता है वो देते हैं। उन्होंने केजरीवाल साहब का बोल के प्रधानमंत्री को यहां बुलाया, केजरीवाल उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे साथ पार्लियामेंट में रहे, बहुत अच्छा नेता है, आंध्र के नेता है, और उनके वजह से प्रधानमंत्री यहां आए और फिर कटवाई और भाषण किया कि हमने इस देश में अभी काम उन्होंने किया है।